हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब जंक्शन पावर्ड बाय गेट एकेडमी। आज के सेशन में जिस जॉब वैकेंसी की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कम राइट अवे फ्रॉम ईएसआईसी। तो ईएसआईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने टेक्नीशियन जो है, जूनियर टेक्नीशियन, उसके रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट जो है वो रिलीज कर दी है। इसके क्या क्या डिटेल्स हैं, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड सैलरी, ये सभी कुछ डिटेल जो है आपके साथ अभी तुरंत डिस्कस किया जाएगा। बने रहेगा इस वीडियो में और देखिएगा टिल द एंड। मिलते हैं। तो ईएसआईसी ने ये जो पोस्ट निकाली है फॉर जूनियर टेक्नीशियन, इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म फिलअप का यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और 11 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है फॉर द फिलअप ऑफ दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट जो मैक्सिमम यहाँ पर परमिसिबल है, दैट इज 30 ईयर्स एज ऑन 31st of March। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सब कुछ मिला के 1625 पोस्ट जो है वो रिलीज कर दी गई है। तो 1625 पोस्ट जो है फॉर जूनियर टेक्नीशियन वो यहाँ पर रिलीज किया जा चुका है। पोस्ट का नाम अगर मैं बताऊँ तो ECL माइनिंग सरदार जो है TNS है ना, ग्रेड सी, ये एप्लीकेबल है। 1625 पोस्ट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। कैटेगरी वाइज पोस्ट भी अगर मैं आपको बताऊँ तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो पोस्ट है वो 814 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है 184। फिटर की पोस्ट जो है वो यहाँ पर 627 वैकेंसीज मिलती है। सैलरी जो है एज पर द पे नॉर्म्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो 10th क्लियर होना या +2 अगर आपने क्लियर किया हो, और उसके साथ आपका ITI का जो सर्टिफिकेट है वो होना मैंडेटरी है इन द रेलेवेंट ट्रेड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड में से जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, वो होगा एजुकेशनल मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो और सिग्नेचर। सिलेक्शन मोड की मैं बात करूँ तो शॉर्टलिस्टिंग होगी सीधे सीधे, और उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट जो क्रिएट होगी उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, एंड देन यू विल बी कॉल्ड अप फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो लास्ट डेट बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखिएगा। अगर ये वैकेंसी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो 11 अप्रैल से पहले आपको इसका फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर से फिलअप करना होता है। ऐसे ही और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।